पांड्य राजवंश, जिसे मदुरै के पांड्य के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिण भारत का एक प्राचीन राजवंश था और तमिलकम के तीन महान राज्यों में से अन्य दो चोल और चेरा थे। कम से कम चौथी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से मौजूदा राजवंश शाही प्रभुत्व की दो अवधियों से गुजरा, 6वीं से 10वीं शताब्दी CE और बाद के पांड्या 13वीं से 14वीं शताब्दी CE के तहत। पांड्यों ने व्यापक क्षेत्रों पर शासन किया, कभी कभी मदुरै के अधीन जागीरदार राज्यों के माध्यम से वर्तमान दक्षिण भारत और उत्तरी श्रीलंका के क्षेत्रों सहित। तीन तमिल राजवंशों के शासकों को तमिल देश के तीन मुकुट शासकों म्यूवेंटर के रूप में संदर्भित किया गया था। पांड्य वंश की उत्पत्ति और समयरेखा स्थापित करना मुश्किल है। प्रारंभिक पांड्य सरदारों ने प्राचीन काल से अपने देश पांड्या नाडु पर शासन किया, जिसमें मदुरै के अंतर्देशीय शहर और कोरकाई के दक्षिणी बंदरगाह शामिल थे। पांड्यों को सबसे पहले उपलब्ध तमिल कविता संगम साहित्य में मनाया जाता है। ग्रेको रोमन खाते 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के रूप में जल्दी मौर्य सम्राट अशोक के आदेश तमिल ब्राह्मी लिपि में किंवदंतियों के साथ सिक्के और तमिल ब्राह्मी शिलालेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभिक शताब्दी सी तक पांड्या राजवंश की निरंतरता का सुझाव देते हैं। दक्षिण भारत में कालाभ्र वंश के उदय पर प्रारंभिक ऐतिहासिक पांड्य अस्पष्टता में फीका पड़ गया। 6ठी शताब्दी से 9वीं शताब्दी CE तक बादामी के चालुक्य या दक्कन के राष्ट्रकूट, कांची के पल्लव और मदुरै के पांड्य दक्षिण भारत की राजनीति में हावी थे। पांड्य अक्सर कावेरी, चोल देश, प्राचीन चेरा देश, कोंगु और मध्य केरल और वेनाडु, दक्षिणी केरल, पल्लव देश और श्रीलंका के उपजाऊ मुहाना पर शासन या आक्रमण करते थे। 9वीं शताब्दी में तंजावुर के चोलों के उदय के साथ पांड्या गिरावट में गिर गए और बाद वाले के साथ लगातार संघर्ष में थे। पांड्यों ने चोल साम्राज्य को परेशान करने में सिंहली और चेरों के साथ खुद को संबद्ध किया, जब तक कि इसे 13वीं शताब्दी के अंत में अपनी सीमाओं को पुनर्जीवित करने का अवसर नहीं मिला। पांड्यों ने मारवर्मन प्रथम और जटावर्मन सुंदरा पांड्या प्रथम 13वीं शताब्दी के तहत अपने स्वर्ण युग में प्रवेश किया। प्राचीन चोल देश में विस्तार करने के लिए मारवर्मन आय द्वारा किए गए कुछ शुरुआती प्रयासों को होयसलों द्वारा प्रभावी ढंग से जांचा गया था। जटावर्मन प्रथम सी 1251 ने तेलुगु देश नेल्लोर के रूप में उत्तर में दक्षिण केरल में राज्य का सफलतापूर्वक विस्तार किया और उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। कांची शहर पांड्यों की एक माध्यमिक राजधानी बन गया। मारवर्मन कुलशेखर प्रथम 1268 ने होयसलों और चोलों 1279 के एक गठबंधन को हराया और श्रीलंका पर आक्रमण किया। बुद्ध के आदरणीय दांत अवशेष को पांड्यों द्वारा दूर ले जाया गया था। इस अवधि के दौरान राज्य के शासन को कई रॉयल्स के बीच साझा किया गया था, उनमें से एक बाकी पर प्रधानता का आनंद ले रहा था। पांड्य राज्य में एक आंतरिक संकट 1310 से 11 में दक्षिण भारत के खिलजी आक्रमण के साथ मेल खाता था। आगामी राजनीतिक संकट ने अधिक सल्तनत छापे और लूट दक्षिण केरल 1312 और उत्तरी श्रीलंका 1323 के नुकसान और मदुरै सल्तनत 1334 की स्थापना देखी। तुंगभद्रा घाटी में उच्छंगी 9वीं-13वीं शताब्दी के पांड्य मदुरै के पांड्यों से संबंधित थे। परंपरा के अनुसार पौराणिक संगम अकादमिया पांड्यों के संरक्षण में मदुरै में आयोजित किए गए थे और कुछ पांड्या शासकों ने खुद को कवि होने का दावा किया था। पांड्या नाडु में कई प्रसिद्ध मंदिरों का घर था, जिसमें मदुरै में मीनाक्षी मंदिर भी शामिल था। कडुंगन 7वीं शताब्दी CE द्वारा पांड्या शक्ति का पुरुद्धार शैव नयनारों और वैष्णव अलवारों की प्रमुखता के साथ मेल खाता था।